अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआ की वजह से हम भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? एक ही जगह से स्टार्ट हो सकता है, मेरे कॉलेज से। कॉलेज में ये देखिए, मैं ना लड़की को मेकअप कर रही थी, और मेकअप करने के बाद मैंने देखा, सडनली मेरी ना नज़र गई कि ब्रश पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अरीज। और मैं इतना खुश हुई क्योंकि यार मेरा नाम है ना किस्मत से हर जगह लिखा होता है, वरना लिखा तो नहीं होता। तो ये सारा मैंने मेकअप यूज़ किया, फिर वापस रख दिया। और फिर मैं यहाँ पर मेकअप देख रही थी कि कैसे कैसे मेकअप है, फिर मैंने कहा चिल मारो। और फिर मेरी दोस्त ने कहा था कि ना मेरी सिस्टर को बर्थडे का ट्रीट देगी, वो मेरी बहन को बर्थडे की ट्रीट दे रही थी, समोसे और नान। मैं अंदर में आने वाली, सब देख लो अपनी नज़रों से, खूबसूरत नज़रों से। और यहाँ पे देखें हमारे ये पैसे, पैसे चेक करें। मैं क्या करने वाली हूँ, ये नेक्स्ट डे है, मेरी वन के की सेलिब्रेशन कर रही हूँ। वन के मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए दोस्त ने पार्टी मांगी थी। तो कहते तुम्हारे जब वन के होंगे ना, तुम्हें हमें पार्टी ज़रूर देनी है। और फिर क्या, पार्टी तो देनी पड़ेगी, तो मैंने पार्टी दी उसे। और ये देखें मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और बस ये न्यू हमारी ना साइड पे ना पिज़्ज़ा आया था 950 रुपये का। मैं ज़रूर यहाँ पे ना टैग लगा दूँगी, अगर मेरे पास अभी होगा यहाँ पे अवेलेबल। तो फिर ये ना पूरे वीक की वो है, मैं पूरा वीक क्या करती रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे घर गई हूँ, उसे घर जाके मैंने बोले बहन ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा, और कितने का लग रहा है? कहती है 100,000 2,000, मतलब इस तरह का खोखा था, 1,200 इस तरह का। उनका नहीं बहन 950 का है। और उसकी तरफ से ना उसने मुझे कोक दी थी, क्योंकि मैंने कहा जब तुम्हें मैं दूँगी पिज़्ज़ा तो मुझे कोक पिलाओगी, तो मुझे कोक पिलाओगी और मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊँगी। ये देखिए स्लाइस कितने मज़ेदार थी, लेकिन ये है ठंडी जब हो जाती है ना तब मज़ेदार नहीं लगी, लेकिन जो गर्म थी ना, यकीन माने मेरे घर वाले बहुत सी चीज़ की उड़ उड़ कर आ रही थी, मतलब एक चीज़ खींचने वाली। तो मैंने कहा यार हमें नसीब नहीं होगा, क्योंकि तो हमें रास्ते में आते जाते रास्ते में ना वो हो गया, ठंडी हो गई। फिर ये देखिए अभी है ना नेक्स्ट डे का व्लॉग। इसमें क्या था, मेरी कज़न की बर्थडे थी, मेरी दोनों खालाएँ लगती हैं वैसे, कज़न खाला मेरी, उन दोनों की बर्थडे थी। तो मम्मा ने ना मामू के लिए स्पेशली ना ये बनाए थे मछली चावल सौदे रब की, बिल्कुल सौदे रब की डिश। अगर आप चाहते क्या मेरे साथ मैं शेयर करूँ तो वह मुझे बताना, क्या मैं इसी चैनल में शेयर करूँ या अपने न्यूज दूसरे चैनल में मरहबा दुआ में। ये दो चैनल है मेरे पास, टोटल मेरे पास तीन चैनल है, ज़रूर ज़रूर जाके विजिट करना। एक है मरहबा दुआ, एक है ये अदीज खान, और एक और है डू विद फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर ज़रूर जाके तीनों चैनल को चेकआउट करना और सब्सक्राइब भी करना यार। और ये देखिए यहाँ पे हमारी खालों की बर्थडे थी, एक बुशरा और एक परवा। अब जाहिर सी बात है केक में लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात मुझे अब नाम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो नहीं हज़ार नाम की औरतें ऐसे नाम की होती हैं, तो उनके रियल नाम तो वैसे भी नहीं है, उनका एक फेक नाम है। तो ये एक गिफ्ट था फलवाबाजी के लिए और एक गिफ्ट था बुशाबाजी के लिए, क्योंकि बर्थडे तो बुशाबाजी की थी, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक ही की बर्थडे पर ना, जिसकी लास्ट बर्थडे आती है उसकी बर्थडे पर हम उसको गिफ्ट देते हैं। जैसे मेरी सिस्टर की बर्थडे वाले दिन वो लोग मुझे गिफ्ट, और मेरी बहन को दोनों गिफ्ट देते हैं, और हम बुशाबाजी की बर्थडे वाले दिन हम दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ये सीन है हमारा। तो ये देखें अब उन लोगों ने मंगवाए थे अंडे वाले बर्गर, ये अच्छे थे, लेकिन जैसे होता है ना एक अंडे वाले बर्गर का एक लेवल का टेस्ट होता है, उस टाइप के नहीं थे। और मम्मा ने मछली बनाई थी, साथ मछली और चटनियाँ भी इसकी होती हैं, तो अब यहाँ पर वो कटिंग करेगी। लेकिन यकीन माने इन लोगों ने इसकी कटिंग ऐसे की है, बिल्कुल इनकी कत्ल कर दिया, कत्ल केक का, इतना घटिया कटिंग की थी, लेकिन मज़ा भी आया था बहुत, जाहिर सी बात है इस चीज़ में तो मज़ा आता है। तो उन चारों को कत्ल कर दी उन चारों केक का। ला 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 ला, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं घर, और जिससे गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, और हम रिक्शे पे घर आए थे क्योंकि यार इनको कहीं जाना था, और हमें भी होने बोला चाहिए, इससे अच्छा हम रिक्शे पे घर चले जाएं। और बस अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कॉलेज में थी, क्लिनिक नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में कॉलेज में थी। और ये देखिए इतनी प्यारी मुझे लिपलॉस मिली, वैसे यहाँ पार्लर में ना सारी चीज़ें खाली होती हैं, लाइक अब देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक थी, मैंने लगा के देखी बहुत प्यारा लगा, मैंने कहा बंदे के पास ये तो होना चाहिए, लाइक गर्ल्स के पास, गर्ल्स आप ज़रूर मेरी बात से रिलेट करते होंगे, ये तो इंसान के पास होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस रख ली थी, मैं लूँगी ऐसी लिप ग्लॉस। और ये है फेस पाउडर के, मुझे डब्बे बहुत पसंद आए, मैंने कहा यार ये डब्बे तो लेने चाहिए हमें, लेकिन अब देखो लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि यार हमारे यूज़ में तो नहीं आता, लेकिन ना रखते हुए इतना खूबसूरत लगते हैं। इंशाल्लाह जब पार्लर खोलेंगे ना सारा सामान रखेंगे, और यहाँ पर सारी वैक्स वगैरह रखी हुई थी और सामान था, और ये विटामिन ई जो है ना ये मॉइस्चराइज़र रखा है, ये तो भाई मैंने लेना है, क्योंकि यार ये तो इंसान की
वो लगाना चाहिए, सर्दियों में तो जरूर लगाना चाहिए। और यहाँ पे मेरी मम्मा, ये नेक्स्ट डे है, मम्मा लोग यहाँ पे सिस्टर डे बता रहे थे, सारी खालाएँ जमा हुई हुई थी, मम्मा हीटर के सामने बैठी थी क्योंकि हम इतना सारा काम तो नहीं, उसने कोई काम किया था। और खाला लोग है ना, सब ने ना अपनी तरफ से एक एक डिश दी, खाला ने समोसे दिए, दूसरी खाला ने मम्मा ने समोसे दिए, खाला ने गन्ने का जूस दिए, एक खाला ने दही भल्ले ला दिए, एक खाला ने क्या ला दिए, एक खाला ने चुड़मुड़ ला दिए, मतलब वो लोग सिस्टर डे बना रहे थे। और बाई चांस उस दिन सिस्टर डे था ही नहीं, वो बड़े मजे से सिस्टर डे बना रहे। मैंने कहा हमारा क्या, हमारा ही भला हो रहा है, हम बच्चे खाए थे, ये देखिए दही भल्ले की प्लेट, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि उस दिन फिर हमने ऑफर्स की न्यू आई है, इसकी न्यू पैकेजिंग है और अभी 10 रुपए की है, न्यू पैकेजिंग कमाल। और यहाँ पे सब्जियाँ आ चुकी हैं, विंटर्स आ चुकी है, मेरे ड्रेस देखें कैसा है, मैचिंग मैंने ये किया हुआ है ब्लू कलर का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है मुझे फिलहाल, क्योंकि मैंने कल इसको कॉम्बिनेशन को ट्राई किया, पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन यहाँ मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्द, इसलिए ये देखें। अब चलें नाश्ता करते हैं, हाँ नाश्ता कर चुकी हूँ फिलहाल, मुझे चाय का हुआ है और इस टाइप पनम दे दीजिए, अब इसके साथ खाएँगे। गाइस देखिए मेरे गैस ख़त्म हो चुके हैं और फाइनली मेरा गैस ये वाला, और पता है आपको जो मैंने पिछली बार रील बनाई थी टिकटॉक के लिए वो भी यही वाला ही गैस था, ये गैस हमारा साथ देता है। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है, दूध ख़राब ना हो बस, अब तो मैंने इलायची डाली है, परसों का दूध है, अब बनाते हैं इसको अपने तरीके से, पहले हम दूध डालेंगे, मेवे डालने, लेकिन मेवे फिलहाल मेरे पास नहीं है, इसके बाद फिर हम डालेंगे सेवियाँ, सेवियाँ डालने के बाद चीनी, चीनी डालने के बाद बस बन गया, दैट्स इट, बस अब वो जा रही हैं बिल्लियाँ अपने घर। फिलहाल तो मेरे घर की हालत बिल्कुल नॉर्मल ही है, नॉर्मल ये है सेवियाँ। और अभी मैंने ना एक रील पोस्ट करूँगी कि कर दी होगी, कर दी है हाँ, तो वो ज़रूर देखना वो भी सेवियों के बारे में। और ये है सोजरब की इलायची, अब इन दोनों को डालते बनाते, और पता है अक्सर मैं तस्वीर यहीं पर खींचती हूँ, कुछ भी स्टोरी वगैरह डालनी हो ना इसी तरफ से, क्योंकि हमारी ये तरफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ये एंगल ज़्यादा प्यारा है इसको छोड़ के, पता नहीं क्यों। और यहाँ मैं बैठे भी काम कर रही थी, भाई दुआ करें आपकी बहन पे पास, आपकी बहन के पास कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर सब कुछ बनाएगी आपकी बहन, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है अभी। आपको पता है कि आज दोपहर का खाना सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया था, और मेरी सिस्टर ने सिर्फ रोटी बनाई थी, और शाम को मैंने अपनी मम्मा को अपने हाथों से बना के दी थी रोटी, जो बिल्कुल भी शेप में अच्छी नहीं थी और उसका टेस्ट वाइज मुझे नहीं पता, तब मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ सेवियाँ, क्योंकि फ़िलहाल तो गैस है पड़ा, और नीचे जो हाल देखना सारा मैं से कि मैं साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं है और मैं इतना करने वाली हूँ, ना मेरा दिल कर रहा है इतना कुछ करने का। और ये दूसरा गैस है, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है कि इसको मैं ना कूलर में डालूँ, ताकि वो सर्दियाँ हैं ना तो बैलेंस हो जाए ठंडा गर्म पानी। ये देखिए इतना मैस है, और पता है कि हमारा ख़राब हो गया, हमारा सबसे अच्छा भी यहीं वाला था और यहीं ख़राब हो गया, और ये हमारे चलते नहीं थे, अभी चलते हैं और ये सारे ख़राब पड़े हुए हैं। और फिर कोई चीज़ दिखाती हूँ, चलो ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन ये हमारे फेवरेट नहीं है इतना, क्यों, क्योंकि ये फेवरेट नहीं है हमारे, इसके पीछे एक वजह ये है क्योंकि ये जंगली है ना, लाइक ये हमारे हाथ में भी नहीं आते, हम इनको प्यार करें नहीं भाग जाते हैं, हमें इवन हमें पंजे मारते हैं, लेकिन है तो बहुत प्यारे, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, ये नहीं बोरी बुरे हैं ये व्हाटएवर, लेकिन यार इन ये बनाते नहीं हमारे साथ, जो इनसे पहले वाले थे ना इनकी बहन भाई, वो बहुत प्यारे थे यार, आपको आपको मेरे पुराने व्लॉग्स में ज़रूर दिखेगा, पुराने व्लॉग्स में भर भर के भरे हुए हैं क्योंकि मेरे फेवरेट थे, हमारे बच्चों जैसे थे। हम सब लोग ये उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, तो आज मैं बना रही हूँ स्टिच, वो भी इस हीटर के सामने बैठ कर,
लेट्स मेक इट। और ये देखें यहाँ पे ना मुझे खाला ने यू चॉकलेट दी। खाला ने मुझे यू चॉकलेट क्यों दी, किस वजह से दी, वो वजह आपको बाद में बताऊँगी। अब वजह बताने का टाइम आ गया। लाइक मैंने सालन बनाया था आलू मुर्गी का, मतलब अब हमें छुट्टियाँ मिली ना कॉलेज से, अब हमें घर का खाना मैं ही बनाती हूँ, मेरे हाथ का सब खाना खाते हैं। लाइक सच में बहुत सीरियसली अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। और फिर खाला ने खाना खाया, खाला ने बोला बहुत मज़ेदार खाना है, और फिर मुझे गिफ्ट मिला। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआ की वजह से हम भी खैरियत से हैं। तो आप सोच रहे कि चाय यहाँ क्यों रखी हुई है, किस लिए रखी, क्या वजह है? उसकी वजह की ये है कि मेरा हो चुका है पॉपेट। पॉपेट मीन अब मैंने चाय तैयार कर ली लेकिन समोसे अभी तक आए नहीं, और मैं ही ट्रे ही इतनी प्यारी ट्रे लग रही है, और यही प्यारी ट्रे ना कमरे में लेकर चली गई, और फिर मेरी बेइज्जती हुई कि तुम अभी क्यों लेकर आई हो। ओफ अल्लाह, अब वापस मैं डालती हूँ, वापस गर्म करूँगी, फिर जब समोसे हैं समोसे खिला दूँगी। यल्ला, यहाँ पे हमारे गेस्ट चले गए थे, और यहाँ पे मैंने अपने हाथ का केक और बाहर के समोसे और चाय वगैरह पी, और हम सब इंजॉय कर रहे थे, वो लोग इंजॉय करके हमारी बारी इंजॉय करने की। यहाँ पे मेरी दोस्त लेकर आई थी मेरे लिए गिफ्ट, उसने कहा भाई तूने व्लॉग क्यों नहीं डाला मेरे गिफ्ट का। मैंने कहा भाई मैं अब हफ्ते में एक दफ़ा व्लॉग डालती, पूरे हफ्ते में जो सीन होता है वो एक ही दिन डालती हूँ, जैसे फ्राइडे वाले दिन डालती हूँ सारा व्लॉग, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अब हफ्ते हफ्ते की व्लॉगिंग है। तो उसने चले ठीक है जल्दी डालना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो बहन देख ले तूने मुझे जो गिफ्ट दिया था वो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, सारी मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं जो मैं आधा अधूरा पढ़ रही थी। गाइस किसी ने गेस किया ये किस चीज़ का व्लॉग है, आगे कोई मज़ेदार से व्लॉग आने वाले का इंतज़ार करना और गेस करना कमेंट में कि क्या कौन से व्लॉग हो सकते हैं। और यहाँ पे अपनी टीचर की शादी पे गई हुई थी, टीचर की शादी में एंजॉय किया और वापस घर आ गई। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि वो जो छोटी सी क्लिप है किस चीज़ की है, किस रिलेटेड है। जिसने सही गेस किया भाई वो जीत गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई गेस कर पाएगा। तो यल्ला अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।